हेलो एवरीवन, कैसे हो गए आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्रग डीलर सिमुलेटर 2। तो गाइस, वापस आ चुके हैं हम लोग अपने गंजा गुंजी का बिजनेस बढ़ाने के लिए, एकदम फुल ग्रोथ लाने के लिए। लास्ट एपिसोड में हमने ये बंकर तो नहीं भाई, ये वो कॉटेज खरीद लिया था जहाँ पे हम थोड़ा बहुत माल वाल बनाने लग गए हैं। प्लस देखो, मैंने यहाँ पे ये ताला लगा दिया भाई, एकदम फुल सेफ्टी रहेगी, एक ताले से होगा क्या भाई। और हमने एम्प्लॉयज भी असाइन कर दिया था, तो एक्चुअली मैं इस वाले आइलैंड पे वो वर्क नहीं किया था, तो मैंने अपने पहले वाले आइलैंड पे लगा दिया है वो डीलर को, एंड वहां से बढ़िया कैश आ रहा है भाई। क्या रहे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास सीड्स नहीं है। ओके, तो मेरे को ग्रो करने के लिए सीड्स जरूर चाहिए। ये बन गया क्या? ओके, 7 बना है, अभी और बनने में टाइम लगेगा। ठीक है भाई, तो बनते रहने दो इनको। अपन चलते हैं और लैंजो से मीटिंग करके आते हैं भाई। उसके लिए, उसके पास हमारे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्लान्स है भाई, कैसे बिजनेस बढ़ाना है, कैसे पैसा कमाना है, और तो वो सब करेंगे। चलते हैं सीधा लैंजो के पास, मीटिंग अरेंज करते हैं। अभी हमें जाना पड़ेगा टेलीफोन की तरफ, वहीं से अपन मीटिंग अरेंज कर पाएंगे भाई। एकदम मेन स्टोरी में आगे ऐसे ही बढ़ा जाएगा, बाकी सब चीज़ तो करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लगाया फ़ोन और शेड्यूल करते हैं लैंजो से मीटिंग। ओके, ट्रैवल डेस्टिनेशन अपने को जाना है ब्रिस्ना मरीना। अरे आई थिंक बार है भाई ये। ऑलराइट, लेट्स गो। ओह, वो भी गायब हो गया यहाँ से। ये देखो पड़ा हुआ है इसका माल। चलो तो पहुँचते हैं अपन बस से। अच्छा है भाई, बस सिस्टम है यहाँ पे, घूमते टहलते पहुँच जाएंगे अपन। वो रहा गाइस बार। अब यहाँ पे मीटिंग किस बारे में होगी हमें क्या पता। ओह, वहाँ चला रहा है देखो। हेलो भाई साहब, हेलो लैंजो भाई, तो पोटेंशियल कस्टमर है बैग तेरी। नोब कहीं का, आई थिंक अंदर जाना है अपने को, अपना असली काम अंदर है। ये कौन है, इनसे बात करनी है। चेक आउट माय ऑफर। ओह, लोकल बार वाला कंप्लीट हो गया। ये पानी देती है, लेमिनेट देती है, एंड बियर देती है। ओके, हमें नहीं चाहिए सब। ओ, ये तो रहा लैंजो भाई, दिखता भी नहीं है, सेम दिखते हैं सब। तो गाइस, हम यहाँ पे आए हैं बिजनेस की बात करने के लिए, सीधा साधा सिंपल भाई। हमें भाई एक्चुअली में लोग चाहिए, जितने ज्यादा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ये सब रहेंगे उतना काम अपने लिए आसान रहेगा। किससे पूछते हैं भाई? ओह, चलो बात करा देगा भाई, इसके पास लौंडे हैं सारे। थैंक यू भाई। ओह, दो लोग अनलॉक हो गए। यस, डीलर के पास प्रोडक्ट शॉर्टेज है। कैसे? सप्लाई और वर्कर विद अ पैकेज। अरे यार, ओके अभी ला देंगे हम तेरे को। आई एम आउट हियर। चलो बाय 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 बाय। तो बार और रेस्टोरेंट में ही सारी बिजनेस मीटिंग होती है, और कहीं अपने को जाने की जरूरत नहीं है। वो आई थिंक मेरे को वहाँ पे भी एम पहुँचाना पड़ेगा। क्योंकि 93 तो मैंने दिया हुआ है गंजा, लेकिन काम नहीं चल रहा उससे, यानी कि मेरे को वापस जाना पड़ेगा। प्लस हमारे पास 2 एम्प्लॉय और आ गए भाई, दैट्स वेरी गुड। चलो पहले मैं वहाँ पे पहुँचा के आता हूँ। यार, इधर जाने का डायरेक्ट रास्ता होना चाहिए था। ऑलराइट गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं बंकर कुछ माल खरीदने के लिए। आई थिंक यहाँ इसके पास होगा भाई। ओ, बड़ा 50 ग्राम का पैकेट है इसके पास भाई, 54,000 का है। आई थिंक अपन ये लेके अपने डीलर को दे देते हैं, सिंपल। और ये तो देखो, इससे अपन जैसे जैसे सामान लेते जाएंगे अपने को डिस्काउंट भी मिलते जाएगा। करंट डिस्काउंट 15% मिल रहा है, नेक्स्ट अपने को मिलेगा 20%। यार ये तो सही है। चलो, अपन ने 50 ग्राम का बड़ा पैकेट खरीद लिया है भाई। ये बड़ा रिस्की है, बट जाके तो देना पड़ेगा। अभी अपन इसको डेड ड्रॉप में डाल के आते हैं, जो पिछले एपिसोड में अपन बहुत ढूंढा, बट एक्चुअली में ईजी था। ओके, तो इस बैरल में मैं छुपा देता हूँ अपना 50 ग्राम। ओके, रूबेन को देना है अपने को, कन्फर्म। अब ये बेचते जाएगा भाई रूबेन। अभी मैंने एक बार इससे पैसा भी ले लिया था, करीब 13,000 कुछ बनाया था, बट आई थिंक प्रोडक्ट शॉर्टेज की वजह से आगे नहीं बेच पाया ये। चलो अपन देखते हैं अगला काम अपने को क्या करना है। अरे हाँ, ये तो भूल ही गया मैं, क्राफ्ट एंड डिलीवर द ब्लंट्स, ये अपने को देना है भाई। उधर 15 जॉइंट बनाने हैं अपने को। ये आई थिंक काफ़ी प्रॉफिट देगा अपने को, तो मेरे को इस पर काम चालू कर देना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ। तो इस DIY टेबल पे अपन बना सकते हैं ब्लंट। ये देखो भाई, इसके लिए अपने को चाहिए टोबैको, जो कि अपने को मिलेगा सिगरेट के डब्बे से। ओ, तो मेरे को सिगरेट के डब्बे जाके खरीदने पड़ेंगे, उससे अपन टोबैको निकालेंगे, और उससे फिर रोलिंग पेपर रहेगा अपने पास, रोलिंग पेपर से अपन ये कर लेंगे। ईजी भाई, सही है। तो 15 अपने को रोलिंग पेपर भी चाहिए होगा। ओके, तो मेरे को भी स्टोर पे जाना पड़ेगा भाई सबसे पहले। फटाफट लेके आते हैं गाइस, ये बना के इससे देखते हैं कितना प्रॉफिट होगा अपने को। नंबर 1 डीलर इन द सिटी गाइस। तो आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं इस गेम में, मेरे को बताओ। थोड़ी स्लो स्टार्ट होती है इसमें भाई, अभी काफी इसमें ग्राइंड करना पड़ेगा। बहुत बहुत बड़ा गेम है भाई ये, मतलब देखो अभी तो मैप भी नहीं खुला है पूरा, तो सोच रहे हो अभी क्या क्या आना बाकी है इसमें। अभी तो गुंडागर्दी भी होगी, फाइट्स भी होंगी, पुलिस आएगी, रेड पड़ेगी, अभी तो बस चालू ही हुआ है गेम। आई थिंक बहुत टाइम चलने वाला है ये। ऑलरेडी शॉप तो आ चुके हैं हम, तो हमें चाहिए होंगे पैकेट। एक में 20 मिलता है क्या?
हाँ 20 पीसेस मिलते हैं, मे बी एक और बढ़ा दो और क्या है ना, और आउट ऑफ स्टॉक हो ही गया, वेरी नाइस। देन मेरे को कुछ रोलिंग पेपर भी चाहिए था, तो ये मैं ले लेता हूँ मैक्स। मेरे पास बस टिकट भी नहीं थी तो ये भी खरीद लेता हूँ, और विनेगर। ओके आई डोंट थिंक सो बाकी कुछ चाहिए अपने को। चलो तो अपन इतना लेते हैं, 8,000 का सामान हुआ है। ऑलराइट चलो गाइस वी आर बैक, एंड मैं कुछ कुछ चीजें भी लाया हूँ भाई, ताकि अपन यहाँ पे और माल बनाते जा सके। तो सबसे पहले मैं फर्टिलाइजर यहाँ पे अनपैक करके और ये बनाना चालू कर देता हूँ यहाँ पे। तो एक इधर मैक्स नहीं, क्राफ्ट कर दो इसको 35, तो फर्टिलाइजर खत्म हो जाएगा भाई। दोनों अलग अलग करते हैं अपन, तो आई थिंक जल्दी बन जाएगा है ना, 16 16। ओके इधर 34 ऑलरेडी बन गया है, तो अपने पास काफी ज्यादा हो चुका है सब कुछ। ओके नाउ टाइम फॉर जॉइंट्स हमारे, तो हम लेते हैं यहाँ से सिगरेट एंड 15 अपने निकल जाएंगे। ओ तो एक पैकेट पूरा अपन खाली कर देंगे, तो इससे अपने को 15 मिल जाएंगे, 15 टोबैको, 15 ग्राम एक्चुअली। ओके 15 आ गया हमारे पास। अब लेते हैं ब्लंट, और मेरे को बनाने हैं ऑलमोस्ट 15, लाइक ऑलमोस्ट नहीं 15 ही बनाने हैं, 15 अपन उसको जाके बेच देंगे, तो इसमें करीब 2.5 मिनट लगने वाला है। ठीक है वेट कर लेते हैं भाई, एक्चुअली मैं बेचने के लिए भी आया हुआ है भाई, इन लोग को मेरे को जाके देना है। मैं सीड्स यहाँ डाल देता हूँ, रोलिंग पेपर भी इधर ही रखते हैं, सिगरेट भी इधर ही रखते हैं, यहाँ तो काम नहीं है, वहाँ से तो खरीद लेंगे भाई और क्या। और मेरे को यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें और चाहिए, 5 5 के 5 बना लूँ मैं, 5 5 25 हो जाएगा। ओके और 2 ग्राम के भी बना लेता हूँ 4, और एम्प चाहिए मेरे को 6 ग्राम। किसको चाहिए भाई, 1 6 ग्राम बाकी 4 ग्राम, वाह। ओके आई थिंक हो जाएगा भाई अब। ओ वो तो देखो भाई, वो भी 33,000 कमा लिया, वेरी नाइस। इससे मैं पैसा अच्छा यहाँ से मंगा सकता हूँ ना, डिलीवर द मनी। तो एक्चुअली मैं उसके लिए मेरे को वो चाहिए होगा सेफ, अपन उससे नए हाइड आउट पर डिलीवर कराएंगे, ये थोड़ा दूर पड़ता है यार। ओके भाई बन गया हमारा 15, इसको हम यहाँ रखते हैं, और इसको चोर पॉकेट में रखा है मैंने, कुछ सर्चिंग वर्चिंग होगी ना तो पता भी नहीं चलेगा किसी को। अब भाई बाकी सबको ले जाके दे भी देते हैं हम सारा माल पानी, नहीं तो रोते रहेंगे फिर ये लोग भी। एक्चुअली में डीलर इधर हैंडल तो कर रहा है, बट वो सिर्फ 6 कर सकता है एफिशिएंटली। अगर मैं उसमें 8 डाल दूंगा ना तो थोड़ा टाइम लॉस होता है, मतलब धीरे करता है ऐसा कुछ, लाइक 12% स्लो हो जाता है उसका स्पीड। मतलब क्या है भाई, 2 ही हैं तो अपन ही कर लेंगे। ये अंकल बैठे ही हैं, हेलो अंकल, ये लो 5 ग्राम खुश, ये लो मैडम आपका 5 ग्राम, थैंक यू। तो इधर हो गया सबका, अब दूसरे आइलैंड की तरफ। ये क्या जगह है, वाह भाई इधर तो पोटेंशियल कस्टमर ही कस्टमर है, ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, देना किसको है फिर, ये है ना। तो मैडम को चाहिए 6 ग्राम, ये पोटेंशियल कस्टमर को कितना चाहिए, 3 ग्राम, 4 ग्राम वाला दे देते हैं और क्या, बोनस भी मिल जाएगा अपने को। इनको चाहिए 2 ग्राम, ओके चलो पोटेंशियल कस्टमर अपने काफ़ी बढ़ गए यहाँ पे, अब रेपुटेशन बढ़ा के रखनी है गाइस। तो गाइस अपना जॉइंट डिलीवर करने से पहले ना मैं इधर सेफ हाउस जाके थोड़ा ग्रो करने के लिए लगा देता हूँ, मेरे पास फर्टिलाइजर और सीड्स आ चुके हैं, अभी तक नहीं थे भाई, तो फालतू टाइम वेस्ट होगा, अपन उतना घूमेंगे फिर आके लगाएंगे, उतने में तो बन जाएगा भाई। तो ऐसा क्या है कि फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी होगी अपने को। तो ये रहा हमारा ग्रो बॉक्स, हमारे पास 5 है भाई एक्चुअली में, तो लेकिन 1 किलो ही फर्टिलाइजर है। ओके लेट्स क्राफ्ट, आई थिंक इधर बना होगा ना, हाँ 6 बन गया इधर, बस अपने पास ज़्यादा नहीं है अब। ऑल राइट और इधर मैं लगा देता हूँ अपने डीलर्स, तो आई थिंक एक डीलर लगाते हैं और यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर रख देंगे, तो ऐसे क्या है कि वो सारा सामान दूसरों को पहुँचाएगा, फिर अपने को इधर कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं वैसे किसको पहुँचा रहा हूँ, एक बचा है ना, तो उसको छोड़ के मैं बाकी सबका नाम डाल दूंगा, ये है गैब्रिएला। ओके तो सबसे ऊपर वाला हटाओ, बाकी सबको असाइन कर दो। ये क्या है कि ये सारे हमारे रेगुलर कस्टमर है गाइस, तो इन सबको देना इंपॉर्टेंट है कन्फर्म। आई थिंक उसका भी नाम लगा सकते हैं। ओके हो गया फिर ये तो। अब मेरे को इसके लिए माल चाहिए होगा और इसको पहुंचाना भी पड़ेगा, 39 ग्राम। ओके तो मैं काम करता हूँ ना, ये डालो इधर, मैं 40 ग्राम का बड़ा पैकेट बना देता हूँ, हटाओ, इतनी बड़ी गड्डी बनेगी गाइस इसकी ये देखो ये बढ़िया है भाई। अब ये गड्डी मैं इनके लिए छोड़ देता हूँ, ये छोड़ देता हूँ यहाँ पे, 40 ग्राम की गड्डी गैब्रिएला कन्फर्म, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ, आई थिंक नीचे की तरफ असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे खाली जगह है ना, यहाँ असाइन कर सकते हैं। चलो ये हो गया एंड कन्फर्म, ये रही मैडम, एक्चुअली में दूसरा बंदा भी कर सकते हैं अभी अपन, सही है। चलो बस आ रहे हैं हम, जॉइंट डिलीवर करने आ रहे हैं तेरा, ये लो मैडम 4 ग्राम, थैंक यू।
अरे यार मेरा ध्यान नहीं दिया, मैं कूद गया, क्या कर रहा हूँ। अच्छा इधर वाला बंदे को भी देना था, अपन लेट हो गए। कोई बात नहीं, अपन जमाल को तो जमाल गुटा जाके दे ही सकते हैं, 100 मीटर दूर है बस। अब देखते हैं ये कितना पैसा देगा अपने को एक्चुअली में, प्लस नई अपॉर्चुनिटीज भी आएगी भाई। और बनाओ और दो स्पेशल पार्टी ऑफर्स भाई, हम इसको एक हफ्ते बाद देने आ रहे हैं एक्चुअली में। हाँ भैया, यस ये लो। थैंक्स मैन। कितना दिया, कितना पैसा दिया? न्यू एम्प्लॉय हो, जमाल भी अपने साथ आ गया, माय प्लेजर। एक मिनट, पैसा दिया ना, मेरे को ऐड होते हुए नहीं देगा। ओके तो जमाल एक और एम्प्लॉय आ चुका है अपने पार्टी में, अपने कार्टेल में। दैट्स वेरी गुड भाई। अरे बस बंद हो गई भाई। अरे यार आला पैदल जाओ उतना दूर। 5 minutes later. Okay guys, नया दिन एंड वापस चले हम काम पे। आज ना मैं सोच रहा हूँ अपन एक बाइक या कार या ऐसा कुछ खरीदने का ट्राई करते हैं भाई। बड़ा टाइम हो गया पैदल चलते हुए, मजा नहीं आ रहा है। उससे पहले भाई मेरे को एक काम करना है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, अरे गुंडे भाई गुंडे, इनसे तो बच के रहो भाई, मैं तो चला दूसरे रास्ते, है ना। हाँ तो जो यहाँ पे एम्प्लॉयज लगे हुए हैं उनके लिए मेरे को माल फुल करना पड़ेगा भाई, तभी जाके वो अच्छे से काम कर पाएंगे। यहाँ देखो ये ग्रो हो गया क्या? ओके ये अभी तक ग्रो नहीं हुआ है भाई। पेड्रो आरपीएलगो, ओके एक सेकेंड, अपने पास 2 एम्प्लॉय है भाई यहाँ के लिए। जमाल पेड्रो दोनों को असाइन कर सकते हैं, बट एक्चुअली में दोनों जगह अपने को डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहिए होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर देखो तो कैसे आएंगे। ओके गाइस आई थिंक ये है, नॉट इन मनी इन वेल्थ। वेल्थ में पैसा कहाँ से आना है? ओ मेरे को उधर पॉन शॉप पे जाके जमा करना पड़ेगा क्या पैसा? अरे यार ये भी अलग ही झंझट है भाई, पॉन शॉप। ओके ये रही भाई, बहुत दूर है। चलो तो अपन बस पकड़ के चलते हैं, पहले पैसा जाके बैंक में डालते हैं, फिर अपना वेल्थ थोड़ा रहेगा। एक गजब सिस्टम है। हेलो अंकल। ओके तो अपन यहाँ पे अपने को डालना है, तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ, कितना डाल दूँ? इस सारा डाल दिया क्या मैंने? अरे यार अच्छा ठीक है, खरीदने में काम ही आएगा ना इधर से। ओके तो बेसिकली अपन, हाँ मैं समझ गया, तो वेल्थ में रहेगा तो क्या कि अपन डायरेक्ट वहाँ से खरीद सकते हैं, वरना अपने को फर्नीचर स्टोर जाना पड़ता। ओके अब अपन जा सकते हैं यार। यहाँ पे बस स्टॉप नहीं है क्या? एक आई थिंक यही डेस्क है भाई, तो चलो इसको लेते हैं और सीधा इस साइड है ना, तो इसको घुमा के लगा देता हूँ मैं। होपफुली यही होना चाहिए भाई, मेरे को तो और कुछ लग नहीं रहा। वाह दिस ऑब्जेक्ट हैज नो स्पेशल फीचर, तो इसका करूँ क्या मैं? आई थिंक अपने को पहले ये करना था मिशन वाला, क्योंकि उधर डीलर आ नहीं रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर आ नहीं रहा है, तो मे बी इधर से कुछ हो जाएगा। हाँ ये थोड़ा बहुत अब चीज़ें बता देगा मेरे ख्याल से। थैंक यू। विजिट लैंड्स आर कंप्लीटेड। नया हाइड आउट मिल गया, कॉटेज। ओके और रेपुटेशन लेवल 3 हो गया भाई, वेरी नाइस। ओके तो डिस्ट्रीब्यूटर अभी आएगा भाई, अभी इन 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 प्रोग्रेस है। ओके तो मैं कुछ ज़्यादा जल्दी कर रहा था भाई, तुमने पहले क्यों बता दिया तो मेरे को, मैं तो करूँगा ही ना जल्दी। हद है। खैर हम चलते हैं, और अभी मेरे को सब कुछ भरना है हर जगह, तो मैं फटाफट से माल वाल सप्लाई करके मिलता हूँ गाइस 2 मिनट में। 5 minutes later. यहाँ पे सेफ लगाना था अपने को, ताकि अपन पैसा ले पाए। चलो यहाँ पे 70 और लगा दिया है मैंने गंजा बनने के लिए, एंड अपने पास सेफ नहीं है ना बिल्कुल। ओए है, सेफ तो है, तो आई थिंक मैं पैसा मंगा सकता हूँ। इसको बोलता हूँ कि भाई तो डिलीवर कर दे पैसा। रूबेन विल डिलीवर कैश शॉर्टली। ओके लेट्स सी। ओहो पैसा आ गया गाइज, 79,000। ओके तो मैं ये ले लेता हूँ, हमारे पास 2 लाख हो गए। मैंने इधर थोड़ा बहुत रह गया है अभी, तो ये सेफ में पैसा पड़े रहने देते हैं भाई, सिक्योर रहेगा बिल्कुल। एंड ऐसे ही सेफ अपने को वहाँ पे भी चाहिए होगा। खैर फिलहाल तो मैं चलता हूँ। अच्छा यहाँ पे सेफ था भाई, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ी। हेलो जी नमस्ते अंकल, ये हो गया? हाँ नहीं ये नहीं है। किधर है अंकल वोट? ये क्या है भाई, ये बाइक मिलेगी अपने को? ओ ये रहे अंकल। ओके भाई 1,20,000 की ये है मोटर बाइक, अबे, और 2 लाख की ये वाली कार है। टैंक कैपेसिटी 40 लीटर है, सीट 2 है, इन्वेंट्री 6 है। फ्यूल यूजेज भी लिखा है भाई, 1.5 लीटर पर 100 किलोमीटर, और इसका 3.5। आई थिंक पहले मोटर बाइक लेते हैं अपन, क्या बोलते हो? कैश चेक दोनों ले सकता है ये, वाह। इसको चेक भी लिख के देंगे अपन। अच्छा जो वेल्थ में रहेगा अपने, आई थिंक पहले मोटर बाइक लेते हैं क्योंकि पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा अपना। ओके अपन इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं? क्राफ्टिंग इंग्रेडिएंट्स और अपग्रेड भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ओहो न्यू व्हीकल। ओ भाई ओ तो अपन डायरेक्ट पहुंच सकते हैं ऐसा है? ओके मैं इधर तो जा नहीं पा रहा। गैस स्टेशन,
बंकर। ओ तो जितना रेपुटेशन रहेगा उसी हिसाब से अपन ट्रैवल कर पाएंगे। मेरे को तो लगा अपन चला के जा पाएंगे। अरे यार तुमने क्या फीचर डाला है। वैसे मेरे को बोटैनिस्ट के यहाँ जाना है। ये तो अपन ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। अरे यार मेरे को लगा था चलाने दोगे। तब तो ठीक किया कि सस्ता वाला लिया है भाई। जब इससे काम हो जाएगा अपना तो अपने को महंगी चीजें लेने की जरूरत क्या है। Oh, hello there. हाँ भाई दे ये सब मेरे को बहुत चाहिए। फर्टिलाइजर अभी 3 ही ले पा रहे हैं और हम एंड सब आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है फटाफट। ओके नाइस। चलो इसका रेपुटेशन भी बढ़ गया भाई यहाँ पे। एक्चुअली मैं आई वांट टू बाय समथिंग। यहाँ से मैं एक और ग्रो बॉक्स ले लेता हूँ भाई क्योंकि दो रहेंगे ना तो फटाफट और ग्रो होते जाएगा। ओके ग्रो बॉक्स एक ले लिया। यहाँ से एक लाइट बल्ब और ले लेता हूँ और बस यही चाहिए। हेलमेट पहन के जाएंगे या मोटर बाइक चले दम पम पम। ओके डायरेक्ट कॉटेज पहुंच गए अपन। बहुत सही है भाई। ओ गैब्रिएला के पास सामान थोड़ा खत्म है। आई थिंक गंजा खत्म हो रहा है उसके पास। यहाँ बना होगा ना। यहाँ अभी तक नहीं बना क्या। ये बन तो गया भाई। वही तो फ्लावर ही बना है अभी तो। अभी तो इसको बनना और है। तो मैं अपना जो दूसरा लेके आया था ये भी लगा दूँ। ठीक है और फर्टिलाइजर है बिल्कुल है भाई। अभी देते हैं ये लो फर्टिलाइजर 4 किलो दे दिया मैंने तुमको। इसमें हम लाइट बल्ब लगा देते हैं तो लाइट बल्ब से भाई फटाफट प्रोडक्शन भी बढ़ता है और पावर कंजम्पशन भी कम हो जाता है। ओके तो अपना 16 मिनट में ही 70 बन जाएगा। ये तो सही है। काम हो गया कंप्लीट। ओके तो सबसे पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ जाऊँ लेकिन अपने पास पेट्रोल खत्म हो रहा है तो मेरे को पहले पेट्रोल भराने जाना पड़ेगा। आई थिंक एक गैस कैन भी साथ में रखना पड़ेगा भाई ताकि बीच रास्ते में कहीं पेट्रोल खत्म ना हो जाए वरना कुछ नहीं कर पाएंगे अपन। हेलो जी पेट्रोल मिलेगा क्या। ओके तो 4 लीटर का है और 11 लीटर का है। 11 किलो। अरे भाई ज़्यादा हेवी भी नहीं करना है। आई थिंक ये वाला ले सकते हैं पर 4 लीटर वाला गैसोलीन एक लेते हैं और इसको मैं भर लेता हूँ फुल। गाड़ी ख़राब भी होती है भाई मेरे ख्याल से। ओहो इसके पास बोट देखो 1.65 की बोट भी है। ये सब ज़रूर लेंगे भाई। अभी तो बहुत फैला हुआ बिजनेस हमें करना है। एड फ्यूल एंड पूरा फ्यूल डाल दिया अपन ने। ओपन ट्रंक। ओह तो 2 स्पेस भी है ना राइट। अब चलो अब हम चलते हैं वापस अपने बंकर की तरफ कॉटेज एंड जो हम गंजा ले गए थे वो हम डाल देते हैं। आई थिंक नई जगह पर डालता हूँ तो मेरे को मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा शायद से। यहाँ कहीं है क्या। ओके इधर ही है जो है। ये लो मैडम आपका गंजा एंड कन्फर्म। ओके इनका भी अब फुल हो गया भाई तो दोनों तरफ अब स्टॉक की कोई दिक्कत नहीं है। बिकते जाएगा मस्त एंड अब हम चिल कर सकते हैं भाई। बाकी जगह पे फोकस कर सकते हैं। तो देखो भाई अभी हमें जाना है पेड्रो के पैलेस। नहीं तो प्लेस है भाई बट ये तो मेरे को फोटो में पैलेस ही दिख रहा है जहाँ पे अब अगला एरिया हम लोग खोलेंगे भाई एंड उसके टेरिटरी में भी एक्सपैंड करने वाले हैं। प्लस हमें नए कपड़े लेने हैं बोट है लैब इक्विपमेंट है बहुत सारी साइड मिशंस भी है भाई वो हम करते रहेंगे। तो आई थिंक फिलहाल के लिए हम लोग ये एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना मस्त बिजनेस सेटअप हो चुका है भाई। बेसिक तो सब क्लियर हो चुका है। डीलर आ चुका है। इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट अभी करना बाकी है लाइक डिस्ट्रीब्यूटर से बस वो डीलर तक पहुंचाएगा सारा सामान तो अपना वहां से काम खत्म हो जाएगा। जो भी डेड ड्रॉप अपन बार बार डाल रहे हैं तो वो नहीं करना पड़ेगा। बाकी वो अगले एपिसोड में आई थिंक अपन कर ही लेंगे। एंड अगर आप लोगों को मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो तो और कुछ बढ़िया सा कमेंट डाल दो भाई। कमेंट्स में एक आध गेम के बारे में मेरे बारे में कुछ अपने बारे में कुछ भी डाल दो यार। है हम लोग आते हैं गाइस 300 लाइक के लिए तो फटाफट से लाइक बटन दबा दो एंड मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून।